तो दोस्तों इस अगस्त यार इस अगस्त तो इतना बवाल हो गया। तो दोस्तों ऐसा सोचा नहीं था, मतलब 100 सालों के अंदर मतलब ऐसा रिकॉर्ड टूटा है बॉलीवुड के अंदर। दोस्तों एक वीक के अंदर बॉलीवुड के अंदर दोस्तों पहली बार 100 साल के अंदर दोस्तों 400 करोड़ की कमाई करके दी है। तो दोस्तों मतलब कमाल हो गया, धमाल हो गया। मतलब जैसे कि पहले सोच रखा था कि 11 जो अगस्त आएगी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों वो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों 11 अगस्त को रिलीज हुई तो गदर के बारे में और OMG 2। और 10 अगस्त को दोस्तों एक दिन पहले रिलीज हुई है जेलर मूवी, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मेरा नाम है रोकी और आप देख रहे हैं रिव्यू को झटके। जैसे कि दोस्तों मैंने मूवी 3 ही देख डाली और आपको रिव्यू भी मैंने दे दिए चैनल पर, तो चाहो तो आप रिव्यू देख लेना चैनल पर जाके। तो प्लीज़ यार बुरा मत मानना, क्योंकि मैं जो बोलूँगा दोस्तों ऑनेस्टली बोलूँगा, क्योंकि यार हम रिव्यू करें क्योंकि जो हम अपने हिसाब से बताएंगे, तो प्लीज़ माफ़ करना। तो 230 नंबर में देना चाहता हूँ मैं गदर 2 को। यार गदर 2 मतलब यार ऐसी नहीं कि ये मूवी बुरी है। तो दोस्तों मूवी मतलब बुरी नहीं यार, इंटरवल के बाद थोड़ी थोड़ी सही है, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने ज़्यादा ओवरटॉप दिखा दिया, एक्शन ओवरटॉप। और जो मतलब आप खुद भी सोचोगे इतना कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों इसके इंटरवल से पहले तो यार चट्टे जाम हो गए मेरे ये मूवी देख रहा था, जब मैंने इतना पका दिया इंटरवल से पहले। तो इंटरवल से पहले से दोस्तों मैं मूवी छोड़ कर भागने वाला था मतलब, लेकिन मैंने सोचा कि आप सनी पाजी आएंगे इंटरवल के बाद तो उनको ही देख ले, लेकिन उनको दिखाया दोस्तों वो भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मतलब जैसे गदर 1 के अंदर था या गदर 1 आप आज भी देखो मतलब आज ही वो बवाल लगती है, ख़तरनाक लगती है मूवी। और इसको देख के दोस्तों मेरे को हंसी आ रही थी अंदर से, तो इसलिए इसको नंबर 3 पर रखना चाहूँगा। दोस्तों नंबर 2 पर रखना चाहूँगा जेलर मूवी। यार रजनीकांत मतलब इनकी उम्र देखो और उनका मतलब इस मूवी के अंदर देखो उनका स्वेग देखना यार, क्या ख़तरनाक लेवल का स्वेग दिखा इसके अंदर। और जो उनकी मूवी के अंदर जो रिवील होता है दोस्तों, मतलब यार रजनीकांत को देख के मतलब जो उसको विलन दिखाया ना दोस्तों उसकी भी गांड फट जाती है रजनीकांत को देख के। मतलब उनका जो पिछला पार्ट दिखाया तो मतलब कितने ख़तरनाक होते हैं वो, जो मतलब सपने तो अब देख ही रखी होगी मूवी दोस्तों। तो फिर भी दोस्तों थोड़ा बहुत स्पॉइलर दे दूँगा दोस्तों, जब ये विलन इनके आड़े आता दोस्तों और जो पिछली इनकी कहानी निकलती है यार विलन के भी छक्के छूट जाते हैं वहाँ, तो यार देखने में मज़ा आ रहा था। और जो कुछ कुछ दोस्तों सीन मतलब यार जितने भी विलन दिखा रहे थे दोस्तों फनी टाइप में दिखा रहे थे, तो दोस्तों कुछ कुछ मुझे पुष्पा की याद आ रही थी। दोस्तों कुछ कुछ में सीन ऐसे लग रहे थे जैसे कि पुष्पा की तरह, तो यार मज़ा आ गया बिल्कुल एकदम। और रजनीकांत सर को देखे उनका एक्शन यार खतरनाक लेवल एकदम। तो गदर से तो मतलब बेस्ट ही लगी है मुझे। तो और अब बात करते हैं दोस्तों OMG 2। तो दोस्तों OMG 2 मतलब दोस्तों ये वो मूवी है दोस्तों, मतलब इस साल के अंदर मतलब ये दोस्तों इस साल की सबसे बेस्ट मूवी बोल सकता हूँ मैं। मतलब यार इतनी बेहतरीन मूवी जो शुरुआत करते हैं लास्ट तक यार बने रहोगे इस मूवी से, आप कभी मतलब बोर नहीं होगे इस मूवी से। और उसमें जो कॉमेडी और जो उसमें सोशल मैसेज डाला गया है सेक्स एजुकेशन का, मतलब यार बहुत ज़रूरी है वो। मैं चल रही है मूवी तो दोस्तों इस पे लोग मैं कुछ करूँगा नहीं, तो आप अभी जाके देखो। और अब भी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, मतलब दोस्तों इसका 11 दिन का कलेक्शन 120 करोड़ के आसपास हो रहा है, वो भी इंडिया नेट कलेक्शन। बहुत ही ख़तरनाक चली है, बहुत ही मतलब बवाल चली मूवी। तो दोस्तों और एक सीन मतलब एक सीन के बारे में बात करना चाहूँगा दोस्तों, यार जब अक्षय कुमार के साथ जो नंदी चलते हैं ना यार, वहीं पे ऐसा वसूल हो रहा था मेरे को। और लास्ट के अंदर वो भाई साहब पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग देखना, मतलब गदर 2 में तो यार सारा ने ओवर एक्टिंग करी है और ओवर टॉप है ये गदर 2, तो ओवर टॉप ही लगी मुझे मूवी। आप OMG 2 के अंदर देखना, मतलब जो भी कास्ट दिखेगी आपको मतलब एक्टिंग करती हुई दिखेगी। और जब आप एक बात सोचो, जब आपके सामने रियल शिव या कोई भी आपके सामने भगवान आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, तो लास्ट में देखना OMG 2 के अंदर दोस्तों जब पंकज त्रिपाठी के सामने आते हैं ना अक्षय कुमार शंकर भगवान का रूप लेके, भाई साहब पंकज त्रिपाठी की आप एक्टिंग देखना, मतलब यार इतनी खतरनाक एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि रियल के अंदर ही हो। तो भाई साहब वो देखने में मज़ा आ गया और पैसा वसूल हो गया अक्षय सर का जब शिव का रोल दिखा उसने, तो भाई साहब एकदम पैसा वसूल मूवी। तो नंबर 1 पे रखना चाहूँगा OMG को। दोस्तों आपको बुरा लगा तो दोस्तों माफ़ करना, क्योंकि गदर 2 मुझे दोस्तों कभी पसंद नहीं है। हालांकि कमाई कर रही है दोस्तों, वो पब्लिक के ऊपर डिफेंड है, मतलब यार क्रिटिक ने जो रिव्यू करे हैं सभी क्रिटिक के बारे में,
तो उसके नेगेटिव भी क्रिटिक के भी वो आए इसके, तो पब्लिक ने कहा तो उसको क्रिटिक गए माचूदा ने, लेकिन हमें तो मूवी देखनी है। तो यार हम क्या हैं, आप ही लोग हो जो भी कुछ हो, तो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों अच्छी है, लेकिन हम जो हमें जो पता ना हमारा जो काम है दोस्तों हम वो कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों बुरा मत मानना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इतनी।